खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी को 24 घंटे में पकड़ने में सफलता हासिल की है। जिले के लोटन कोतवाली अंतर्गत बारवा निवासी ने अपने पुत्र के घर वापस न आने पर संदेह करते हुए कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस तलाश में लगी हुई थी। किसी नतीजे पर पुलिस पहुंचती कि युवक का शव बहतग्राम से महरना में खून से लथपथ पाया गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 16 अगस्त 2023 को थाना लोटन क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का शव मिला था। तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया था और टीम बनाकर के घटना का खुलासा का निर्देश दिए गए। उसी के क्रम में आज 24 घंटा में घटना का सफल अनावरण किया गया है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम परवेज है। परवेज ने पूछताछ में यह बात बताया है कि मृतक के परिवार ने उसे 3 महीना पूर्व चोरी की घटना में जेल भेजा था, जिसके बाद से ही वो रंजिश रखने रखा था और सही मौका देखते हुए उसने अपनी प्रेमिका, जिसका नाम पिंकी यादव है, पिंकी के साथ मिलकर के यह घटना कारित की और इसमें आला कत्ल बरामद किया गया है, जिससे वार करके मृतक की मृत्यु हुई। इसमें कठोर धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और भविष्य में भी इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी टीम को हमारी तरफ से 5,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है।